आदाब दोस्तों, भारत की आबादी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और भारत की इतनी बड़ी आबादी को ट्रेवल कराने के लिए रेल ट्रांसपोर्ट एक बहुत आरामदायक और भरोसेमंद और किफायती जरिया माना जाता है। लगभग 2 करोड़ लोग रोजाना ट्रेनों से सफर करते हैं, लेकिन त्योहारों और छुट्टियों में ट्रेनों में भीड़ बढ़कर लगभग दोगुनी हो जाती है। और अब तो त्योहारों और छुट्टियों को क्या कहा जाए, आम दिनों में भी भीड़ की कमी नहीं है। अब ट्रेन तो लिमिटेड ही है, भीड़ बढ़ जाने से ट्रेन टिकटों में बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट आ जाती है और ये वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है कि टिकट कंफर्म हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन अब सरकार ने कुछ ऐसा प्लान तैयार कर लिया है जिससे वेटिंग टिकट वाला झंझट खत्म ही हो जाएगा और आपको मिलेंगे सिर्फ कन्फर्म टिकट। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, भारत सरकार बहुत बड़े स्तर पर ट्रेनों और ट्रेनों के डिब्बों को बढ़ाने जा रही है, जिससे मुसाफिरों को सहूलियत होगी और वेटिंग टिकट वाली परेशानी भी खत्म हो जाएगी। ट्रेनों में ज्यादातर लोग नॉन एसी यानी स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बों में ही सफर करते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा स्लीपर कोच और जनरल डिब्बों में भीड़ हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तय किया है कि आने वाले 2 सालों में यानी साल 2026 तक 10,000 स्लीपर क्लास के कोच बढ़ाए जाएंगे, साथ ही 5,000 जनरल क्लास के कोच भी ट्रेनों में बढ़ाए जाएंगे। रेलवे से जुड़े अफसरों का कहना है कि नए कोच बनाने का मकसद केवल यही है कि आम लोगों को ट्रेनों में कंफर्म सीट मिले और उनका सफर आराम से पूरा हो। उनका कहना है कि आने वाले 2 सालों में एसी और नॉन एसी डिब्बों की कुल तादाद में 22% की बढ़ोतरी की जाएगी। रेलवे का प्लान है कि करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 में लगभग 4,500 नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे और अगले साल यानी 2025-26 में भी लगभग 5,500 नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे। इन डब्बों को ट्रेनों से जोड़ने के बाद लगभग 72,000 सीटें बढ़ जाएंगी, जिससे वेटिंग टिकट वाली परेशानी लगभग खत्म ही हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने ट्रेनों में 5,300 जनरल डिब्बे बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इसका फायदा उन मुसाफिरों को मिलेगा जो बिना रिजर्वेशन सफर करते हैं। रेलवे के बड़े अफसरों का कहना है कि रेलवे इसी साल 2,500 से ज्यादा जनरल कोच बनाने की तैयारी में है और इन कोचों में मुसाफिरों की सहूलियतों को देखते हुए कई बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा रेलवे 1470 नॉन एसी स्लीपर कोच, 323 सिटिंग कम लगेज रैक कोच, 32 हाई कैपेसिटी वाली पार्सल वैन, 55 पेंट्री कार भी तैयार करेगा। साथ ही भारतीय रेलवे ने 2025-26 में 2710 नए जनरल डिब्बे लगाने की तैयारी कर रखी है और ये डिब्बे एडवांस फीचर के साथ लॉन्च किए जाएंगे। इसके साथ ही 1910 नॉन एसी स्लीपर कोच और 1514 सीटिंग कम लगेज रैक कोच भी लॉन्च किए जा रहे हैं। इन कोचों को उतारने का मकसद वेटिंग टिकट की परेशानी को खत्म करना है, इसलिए रेलवे हजारों नए डिब्बे बनाने जा रहा है। हाल ही में रेलवे ने 2 नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू की हैं। इनमें बिना एसी वाले डिब्बे हैं। ये ट्रेनें आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। इनमें कई खास सहूलियतें दी गई हैं। इन ट्रेनों में दोनों तरफ इंजन होने की वजह से ये ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इनके अलावा रेलवे ने मुसाफिरों को आरामदायक सफर मुहैया कराने के लिए अलग अलग तरह की ट्रेनें शुरू की हैं। इनमें अंत्योदय, दीनदयाल, तेजस एक्सप्रेस और हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। इन सब के अलावा रेलवे अब ऐसी ट्रेनें बनाने पर भी ध्यान दे रहा है जो कम बिजली खर्च करें और तेज रफ्तार से चल सकें। वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद रेलवे अब कम दूरी के लिए वंदे मेट्रो और लंबी दूरी के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बना रहा है। हाल के सालों में रेलवे ने थर्ड एसी और थर्ड एसी इकोनॉमिक कोचों को बढ़ावा दिया है, जिससे कम किराए में एसी में सफर करने की सहूलियत मिल सके। इसके चलते जनरल और स्लीपर कोचों की तादाद में कमी आ गई थी, जिससे आम मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब भारतीय रेलवे ने मुसाफिरों को आ रही परेशानियों और दिक्कतों को देखते हुए जो प्लान बनाया है, उससे उम्मीद की जा रही है कि भारतीय रेलवे के इस प्लान से आम मुसाफिरों को आरामदायक सफर का फायदा मिलेगा और टिकट रिजर्वेशन में आने वाली लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट की दिक्कत खत्म हो सकेगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं बहुत ही काम के वीडियो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें।